अरे देखन मा छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में भेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है, रूठे कभी तो हो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे दे देता चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते हर गुदड़ी में ऐसे लाल। के जैसे के जैसे के जैसे मिस्टर जुगाड़ू लाल, मिस्टर जुगाड़ू लाल, हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल। सर जी हो, हमारा साइकिल नहीं मिला ना सर, तो हम घर नहीं जाएंगे सर, ना थाने में सिट भी करेंगे। और वैसे भी हमारी मेहरारू ने हमें नोटिस दे दिया सर कि साइकिल लेकर आना, नहीं तो घर में मत घुसना। सर इमा तो आपों की इज्जत का सवाल है, साइकिल चोर तो पकड़ा ही जाना चाहिए। इसीलिए तो गुरु जी के आए हैं, तजुर्बेकार आदमी से सलाह मांगनी चाहिए। आप पहलवान से सलाह मांगने आए हैं? तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया हो तो बताओ, वरना जो हम बोल रहे हैं वही करो। और फिर पांच चोरों की हमने जो ठुकाई की, एक को एक हाथ, दूसरे को दूसरा हाथ, तीसरे को लाश, और चौथे को कोहनी, और पांचवे को घुटना। और फिर सरकार ने खुश होई के हमरे को 12 रुपए का इनाम में दिया। मिल गया? क्या क्या मिल गया? आइडिया मिल गया। घोषणा करवा दो, पूरे पटकापुर में घोषणा करवा दो, हर पेड़ हर खंबे और हर सुलभ शौचालय की दीवार पे पोस्टर लगवा दो, जो साइकिल चोर को पकड़ के लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 1000 रुपया? 1000 रुपया आएगा कहाँ से सर? डिपार्टमेंट तो पानी का नल ठीक कराने तक का पैसा नहीं देता, महीना भर से टपक रहा है। पैसा हम अपनी तनख्वाह से कटवाएंगे, लेकिन उस साइकिल चोर को पकड़ के रहेंगे। गुरुजी, गुरुजी हम जाते हैं, हमको आइडिया मिल गया। ए टिल्लू, अरे अपने उल्लू सुपुत्र को समझाते काहे नहीं हो भाई? अरे ढोलू, हम समझाने ही तो गए थे, जोश में एक लगा दिया, नतीजा हमको अंदर बंद कर दिया। रोकने जाते तो हमको तो फांसी पर ही चढ़ा दिया जाता। सजा दे रिया, आज हमको अपनी पहली बेगम बहुत याद आ रही है। हमें तो अभी वाली याद आ रही है। अरे तुम्हारे गुना तो फिर भी पक्के हैं, हमें तो 1970 में चुराए लड्डुओं की सजा अब मिल रही है। खुदा का आता है मौका, अच्छा तो लगाता है चौका। अम्मा, आ गया तू? हाँ, चल चलो, और गॉड जी के सामने हमरे और गॉड जी के प्रॉमिस खाओ, और अभी क्या भी प्रॉमिस खाओ, और जाके अपने पापा को छुड़ा के लाओ। हम ऐसा नहीं कर सकते अम्मा, हम मजबूर हैं, फर्ज की बेड़ियों ने हमें जकड़ रखा है। हम अभी लोहार को फोन करते हैं और उन बेड़ियों को ब्रेक करवाते हैं, समझे? हे गॉड जी, कैसा डांस दिखा रहे हैं, घर में फादर और सन का फाइट बाज हो के, पर अब तो घर की फैमिली का लग रहा है कि लाफ्टर चैलेंज हो जाएगा। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने टमी से तुम्हें बर्थ दिया था? हाँ भैया, आप ऐसा कैसा कर सकते हो? आप अभी के अभी जाओ और पापा को लेकर आओ। हाँ चल बोल।
सच्चाई के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। पापा को तो अब कोरट ही रिहा करा सकता है। हम आपको एक बार अमिताभ बच्चन का बोल दिया, आप तो झाड़ के पेड़ पर ही चढ़ गए और ऊपर से फिल्मी डायलॉग भी मारे जा रहे हो। हम कहते हैं कि अभी पापा को लेकर आओ, नहीं तो बस जब तक तुम अपने फादर को घर पे नहीं लाते ना, तुम भी इस घर से गेट आउट हो जाओ। आप अपने लाल जुगाड़ू लाल को घर से निकाल रही है? फादर नहीं तो सन भी नहीं। जब तुम दोनों टुगेदर होना ना, तब इस घर के चौखट से एंटर होना, समझे? चलो। जी जय हिंद। अरे ये तो अपना चेला है जुगाड़ी लाल बिहारी वाजपेयी, तुम ही इस थाने के थाना इंचार्ज हो? जी सर। तो क्या सर पे खड़े रहोगे? चलो इधर। क्या किया हो तुम? पूरे पटकापुर को जेल में ठूस दिया? हमका जैसे जैसे चोर मिलते गए, हम जेल में ठूसते गए। अभी भी पटकापुर की 40% आबादी आजाद है। अरे तो कहा 100% पटकापुर को तुम जेल में ठूस दोगे? तुमको पता नहीं आज दिन कौन सा है? सर आज का बोनस बटने वाला है का सर? अरे बस बोनस बटने वाला है, ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तुमको बोनस की पड़ी है। पता है नेताजी यहाँ के सिटिंग MLA हैं और पिछले 3 चुनाव से सारा वोट नेताजी के पक्ष में आ रहा है। बात करते हैं। यही तो शायद लोग कहते हैं कि जब से नेताजी सेटिंग करे हैं तब से पटकापुर का स्टैंडिंग खत्म हो गया। दरोगा, ये बकलोल पना छोड़ो और इनको फौरन रिहा करो। हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं सर। अरे तुम राजनीति कूटनीति कुछ नहीं समझते हो? तुम अपनी सीमाएं लांग रहे हो। और आप कानून की सीमा लांग रहे हैं? हाँ? कानून की सीमा? बस एक साइकिल चोरी की कंप्लेंट है। कौन से कानून में लिखा है कि एक साइकिल चोरी के कंप्लेंट में पूरे पटकापुर को जेल में भर दो? कौन कानून में लिखा है? इंसान के कानून से बढ़कर भी एक थोर कानून होता है। जंगल का कानून ना सर, भगवान का कानून रूबे। हम तो भाई भगवान का कानून मानते हैं। आज एक थोर साइकिल चोरी हुई है, कल एक थोर स्कूटर चोरी होगा, फिर ट्रेन, फिर हवाई जहाज। सर इन हवाओं का रुख बहुत खतरनाक है। बड़ा बड़ा चोर छोटी छोटी चोरी करके ही शुरुआत करता है। हम तो सिर्फ भविष्य पर ही विश्वास करते हैं। भविष्यवाणी, हम तुमको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, फौरन इनको रिहा करो। चलो। जुगाड़ू लाल तुम भूल गए? तुमने कहा था ना कि एक जुगाड़ू दूसरे जुगाड़ू की हेल्प करता है। बेटा जुगाड़ू लाल अब तुम्हारी बारी है, चलो। सिर्फ इस थाने में 8 मामला दर्ज है। तो आपके खिलाफ। भगवान जाने बाकी थानों में कितने होंगे। डरा रहे हो? जुगाड़ू लाल एहसान फरामोश, तुम भूल रहे हो कि ये वर्दी हमने तुम्हारे लिए जुगाड़ करके दी थी। नेताजी हमने कहावत सुनी है कि जब गिद्ध की मौत आती है तो उस शहर की तरफ भागता है, और जब चींटी का अंत आता है तो पखना उगाता है। हमने सुना सर, काकरोच का भी। अब आपका अंत आ गया तो आपने हमको नौकरी जुगाड़ दी। अब हम उन 8 मामलों पर कार्रवाई करते हुए
आपको गिरफ्तार करते हैं। अरे चमचा पार्टी के चमचो, अरे कुछ करो, एक तो चुनाव की फजीहत सड़ पर और उस पर ये दरोगा धमकी दे रहा है। अब हम क्या करें, थाने के इंचार्ज के साइन के बिना तो हम इन कैदियों को भी रिहा नहीं करा सकते। देखो दरोगा, हमको गिरफ्तार करना तुम्हारे बस में नहीं है। अगर हमरा बस चलता नेताजी, तो हम इस देश की दुर्दशा करने के जुर्म में पूरी पार्लियामेंट को अंदर ठूस देते। अरे चुप, क्या कह रहा है? पगलेट, पगलेट है दड़ोगा जी, पगलेट है। दड़ोगा जी इधर देखिए ना, इधर इधर सेटिंग करते हैं थोड़ा, कंप्रोमाइज, अंडर टेबल, हाँ चाय पानी। वो कहा है दड़ोगा जी कि आज है चुनाव, तो इन ससुरों की बड़ी जरूरत है, तो इनको आज छोड़ दो, कल फिर ठूस देना। दुबे चौबे सर, चोरेगा चोरेगा। नेताजी की सेटिंग करिए ना, अंदर ले जाके। आइए नेताजी। देखो तुम बहुत भागा दरोगा, देखो तुम बहुत भारी गलती कर रहे हो, तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा दरोगा। सर जी हो, चोरबा पकड़ा गया, देखिए हमारी साइकिल मिल गई सर जी, ये देखिए चोरबा के, ये चोरबा सर अभी साइकिल वापस टिकाने आया था। साहब हम चोर आए साहब, साहब हमारी बीबी माँ बनने वाली रहा साहब, हम खबर मिले साहब की जो ना होकर तभी देखा एक बहुत ही खराब हो गई साहब, हमारे पड़ोस वाले हमारी बीबी को लेके मिर्जापुर चले गए साहब, बड़के अस्पताल में साहब, अब वहाँ जाए बदे हमारे पास कौनो साधन ना रहा साहब, हमारी साइकिल दिखा साहब यही के लेके चला गई साहब, पर साहब एक संकल्प के साथ लेके गए ललित के वापस लेके आई साहब, अब सर वह लौटावा बदे आई साहब, जात के तो इना पकड़ने साहब, लेके आवत भी पकड़ लेने साहब, हमें छोड़ दिया साहब, हम चोरी ना करी साहब। सर जी भरोसा नहीं कीजिएगा, ये हमको बड़ा पहुंचल चोर लगता है, देखिए कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा है, अभी आप कहे नू तो दो चार को लगा देंगे, अभी ससुर उल्टी के तरह सच उगल देगा। तुम का सच बोल रहे हो? अपने बीबी बच्चों की कसम साहब, बिल्कुल सच बोल रहे साहब। सर हमका नहीं लग रहा है कि ये चोर है, और इका सच झूठ का तो एक ही फुनवा में मालूम चल जाए। साहब हम चोरी जरूर के लिए, पर हमरे मन में कोनो चोर नहीं है साहब, आगे आप लोगन का जवन मर्जी है साहब। सर अब तो हमको भी चोर नहीं लग रहा, जाए देखा। तुमने हमको बड़े धर्म संकट में डाल दिया, चोरी तो इसने की है पर ये चोर नहीं है, अब जिस चोर ने चोरी ना की हो उसका क्या करें। जुगाड़ू बचवा अभी तक घर नहीं गए, इतनी मेहनत ना करो कि हम तुम्हारे अंदर कोई खोट ही ना निकाल पाए। खोट ना होने का खोट सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं पापा, वैसे हम घर इसलिए नहीं गए क्योंकि अम्मा ने हमें घर से निकाल दिया, अब जब तक हम आपको घर लेकर नहीं जाते अम्मा हमें घर में घुसने नहीं देंगी। अरे इमली बिना। हम तो चोर पकड़ना चाहते थे पापा, पर हम जहाँ भी गए हमें चोर ही चोर और चोरी ही चोरी नजर आई। चोर तो सभी हैं बचवा, भगवान भी, ना तुम उससे परे हो और ना हम। अब देखो हम चोरी से इंटर पास किए रहे तो तुम हमारे सहायक रहे, नहीं तुम चोरी से इंटर पास किए रहे बचवा तो उस चोरी में हम भी तो तुम्हार सहायक रहे, तुम गुरदीन ओसामा कहिया काम मांगने गए, मेहनत से डर गए और भाग गए, तो तुम भी कामचोर हुए। ये पुलिस की नौकरी बचवा तुमको नेताजी इसलिए दे रहे ताकि तुम नेताजी की चोरी छुपा सको, जैसे वो चीनी तोहार दिल चुराए रही बेटा, तुम भी तो चीनी का दिल चुराए रहे, कानून को एक तरफ पटक अपना मन की मर्जी किए, तो ये अपने फर्ज अपने कर्तव्य से चोरी हुई, अपने व्यवसाय से चोरी हुई बेटा, और यहाँ तक कि कानून के साथ चोरी हुई। और वो ढोल गुड़दीन 10 का 20, 20 का 40 करत है,
लेकिन सिर्फ पैसे वाले लोगन के साथ। ओसामा दर्जी गरीब लोगों से सिलाई के पैसे नहीं लेते, पुराने कपड़े उनमें बांट देते। बिपाशा अगर दिल ना चुराए बचवा तो पूरा पटकापुर सूना हो जाए। और सीताराम अगर चोर है तो हम कहता हूं कि महात्मा गांधी भी चोर है। रहे तो हर पाप, वो उसी वक्त धुल गए थे बचवा जब तुम नेताजी को अंदर किए रहे। यह तो ट्रेजेडी है पापा कि कल ये नेताजी छोड़ दिए जाएंगे और इस पुण्य के लिए हमका सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर हम पर कार्यवाही होगी। लेकिन हम भी सोच लिए हैं पापा कि कल ये नेता को जनता की जरूरत नहीं है। आप लोग अंदर रहे या बाहर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम पटकापुर की जनता को छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि हमको यहां से बाहर कर दिया जाए, हम आप सबको यहां से बाहर कर देंगे। उठो सब लोग, चाचा नाना फूफा काका उठो। दरोगा, तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा मैं। सस्पेंशन ऑर्डर है का सर? तुमको कैसे पता चला? वो कहा है सर कि ईमानदार पुलिस वाला ही सस्पेंड होने पर मुस्कुराता है, और आप जिस तरह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ऐसा लगता है कि इंक्वायरी का धमकी भी मिला है। घुमा फिरा के सीधा सीधा लिखा, या तो नौकरी छोड़ो या इंक्वायरी झेलो। तो अब आप क्या करेंगे सर? लगता है फिर से बेरोजगार हो जाएंगे दुबे। सर ये थैंक यू गिफ्ट है हमारी तरफ से, बेसन के लड्डू हैं सर, हमारी मिसेज ने खास आपके लिए बनाकर भेजे हैं। और तुम्हारी साइकिल तो खुद पर खुद चल के थाने आ गई, फिर हमका काहे का गिफ्ट? सर हमें गर्व है कि हमने आप जैसे इंस्पेक्टर के साथ काम किया है सर। सर आपकी बहुत याद आएगी सर। हमका भी तुम लोगन की बहुत याद आएगी, पर जिंदगी भर एक मलाल रह जाएगा। ऊ का सर? कि हम एक बड़ा केस नहीं निपटा पाए, सिर्फ एक बड़ा केस। का कह रहे हैं सर आप? आपने इस थाने का 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है सर। नेताजी को अंदर किया है, नेताजी को इमरजेंसी के बाद कोई नेता पहली बार पटकापुर थाने में बंद हुआ है सर। आप महान हैं सर, हम आपको सलूट करते हैं सर। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे बापू माँ जुगाड़ भी आ गए। पापा का? हम पुलिस की नौकरी छोड़ दिए और हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। अम्मा हम चोर पुलिस के खेल में बहुत भावुक हो गए थे। बिल्कुल अम्मा पे गए हैं। अरे जुगाड़ ये जो ऊपर वाला है ना, जो करता है भलाई करता है, और अम्मा कसम हमारे जेल जाने में भी कोई भलाई की ही बात होगी। मैं ऊपर वाला जब किसी की भलाई करता है ना तो कहीं ना कहीं किस्मत की सिलाई भी कर देता है। अरे ओ बबुआ, अरे तेरे पीछे लुड़को क्या? देखो बबुआ हम का कहते हैं कि संत जुगाड़ू कहे क्या? संत कबीर कहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई।
जो मन खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना को। क्या? मुझसा बुरा ना। ए जुगाड़ू, अब से बापू भी ना मिलावटी सामान ना बेचेंगे। मैं अपनी इंची टेप की कसम खा के कह रही हूँ कि पेंट के कपड़े से कभी नेकर नहीं बनाऊंगा। पर अब हम करें का? अरे बबुआ तू टेंशन मत ला, जा रखी सकी है। देखो हम अपने गॉड जी से ना प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लिए एक तो सॉलिड सी नौकरी भगवान ने दिला दे। अरे का भाभी नौकरी वोकरी की बात कर रही है? अरे पहलवानी करा इसका। चलो देश में आजकल कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, हम पटकापुर में गेम कराएंगे। उससे आप लोगों ने सुना कि नहीं कि नेताजी जो है ना तीज के त्योहार के लिए कंपटीशन रखे हैं। हाँ अम्मा कसम, इस कंपटीशन में जो जीतेगा ना वो